अराउंड 20 सोर्सेज हैं, अराउंड 20 सोर्सेज हैं। मैं आशा करता हूँ आपको जो स्टूडेंट्स हैं, हॉबीस्ट हैं, अपना कुछ DIY इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड करना चाहते हैं, उनको हेल्प करेंगे। वन बाय वन इन सारी वेबसाइट्स को मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वन इज़ ktron.in, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पास जो कैटेगरीज हैं, वाइड कैटेगरीज हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स, बैटरी कनेक्टर्स, मॉड्यूल्स, पैसिव कंपोनेंट्स, मोटर्स। इनका प्लेटफॉर्म बहुत सारे SMD और लीडेड कंपोनेंट्स इनके पास मिल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करता हूँ बिकॉज जो इनके पास ऑप्शंस हैं रिटेल पर्पस से, अगर हम देखें कि भाई हम अगर एक दो कंपोनेंट या एक दो क्वांटिटी में ही परचेज करना चाहते हैं, तो उनके प्राइसेस जितने भी मेरे और जो मैंने सोर्सेज लिस्ट आउट किए हैं, मुझे उससे कम ही लगता है कि सबसे कम यही प्राइस देते हैं। प्लस एक और है इनके पास ऑप्शन कि अगर हम बल्क परचेज़ करते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट्स ये देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक का प्राइस है वही 100 का प्राइस होगा। अगर आप 100 परचेज़ करेंगे तो आपको बल्क डिस्काउंट भी ये देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर इसका ही दिखा देता हूँ, आई थिंक देखिए क्वांटिटी बेस्ड प्राइसिंग टेबल है इनकी। अगर आप 1 से लेकर 9 तक ख़रीदते हैं तो 245.50 रुपये का लगता है। क्वांटिटी के साथ साथ, क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ आपका प्राइस भी कम हो जाता है। अगर आप 100 लेते हैं तो 100 के लिए आपका प्राइस 216 लगेगा। जस्ट लाइक दैट सारे कंपोनेंट्स के लिए लगभग ये अवेलेबल है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसेस, इनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी वैरिड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है। प्लस इनकी जो बल्क की थोड़ी सी डिफरेंट वे में ये बल्क परचेज करने का ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए पैक ऑफ 5 पीसेस, तो इसी तरीके से ये पैक ऑफ 5 पीसेस, 10 पीसेस और 50 पीसेस, इस तरीके से बल्क परचेज का ऑप्शन देते हैं। उसमें बल्क के रिलेटेड डिस्काउंट्स रहते हैं। अगर आप सिंगल ख़रीदेंगे तो कुछ अलग प्राइस होगा, और अगर आप बल्क में ख़रीदते हैं तो प्राइस उनका थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है आपको। एक खास इन पे जो ये वेबसाइट है, इस पे आप देखेंगे तो ऑडियो एम्पलीफायर रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी है इनके पास। तरह तरह के ऑडियो एम्पलीफायर्स अवेलेबल हैं, स्पीकर्स अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा ऑडियो एम्पलीफायर के लिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी कंपोनेंट्स इनके पास सारे ही अवेलेबल हैं, चाहे डेवलपमेंट बोर्ड्स हों या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हों, एल्यूमिनियम हीट सिंक हो। हीट सिंक के लिए मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ क्योंकि और मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसी एल्यूमिनियम हीट सिंक की ज़्यादा परचेजिंग का ऑप्शन नहीं मिल पाता है। बाकी आप इसको खुद देख सकते हैं एक्सप्लोर करके। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, दिस इज़ द वेबसाइट। आप देख सकते हैं बोर्ड्स एंड प्रोग्रामर, तरह तरह के प्रोग्रामर या बोर्ड्स आपको अवेलेबल होंगे, सेंसर मॉड्यूल्स होंगे आपके पास, सेंसर्स में हर तरह का सेंसर आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ICs होंगी, माइक्रो कंट्रोलर होंगे, स्मॉल कंपोनेंट्स होंगे, और वेरिड है स्विचेज हैं, टेक्टाइल हो, मेटल हो, टॉगल हो, लिमिट स्विच हो, पावर सप्लाईज हैं। रोबोटिक्स के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कुछ यहाँ पर किट्स या पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। इनका यूज़र इंटरफेस भी ठीक है। नेक्स्ट ZBotic, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि मैंने नई फर्म है, और इनके पास भी काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऑप्शंस हैं, IoT एंड वायरलेस रिलेटेड भी हैं। यूज़र इंटरफेस अच्छा है। नेक्स्ट कलकत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफ़ी मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था इनसे। अभी रेगुलरली तो मैं ज़्यादातर कृष्णा टेक्नोलॉजी को प्रेफर करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसेस, बट इनसे भी मैंने परचेज़ किया हुआ है, और इनके पास भी वैरिड प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लेवल पर नहीं, बट मॉड्यूल्स एंड अदर काफ़ी अच्छा इनका कलेक्शन है।
नाउ इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट्स में ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चर रिलेटेड आई थिंक आ जाते हैं। इनके पास मॉड्यूल्स भी हैं अवेलेबल, एसएमडी कंपोनेंट्स या आपको एसेसरीज टूल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट एचएनएच कार्ड, पिछले 2-3 महीने से मुझे थोड़ा सा इसका पता चला है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक कंपोनेंट्स, स्विचेस एंड रिलेज, पावर सप्लाई, ऑडियो डिस्प्ले, सारे आईओटी एंड वायरलेस, ब्लूटूथ भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। नाउ रेयर कंपोनेंट्स, रेयर कंपोनेंट्स पे भी आप देख सकते हैं इनके पास भी कनेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर्स की काफ़ी अच्छी रेंज लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे मॉड्यूल्स एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल केबल एंड वायर्स, बाकी आप खुद यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा डिटेलिंग करूँगा तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने की बस यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ईटी स्टोर जो वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनके पास भी बहुत वेरिड प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं इनकी, और सेग्रीगेशन इन्होंने थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में किया हुआ है। नेक्स्ट इंकोशन, इनके पास आईसीज का बड़ा बहुत वेरिड, मतलब आई थिंक जितने भी सोर्सेज में यहाँ लिस्ट आउट कर रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी होगी यहाँ पे आईसीज की। ये आईसीज आपको कहीं नहीं, मतलब ना नहीं भी मिलेगी, यहाँ पर आपको सारी आईसीज अवेलेबल होंगी अप्रोक्सीमेटली। बहुत बहुत वेरिड लिस्ट है। जैसे कि नाम है इंक ओशियन, वाकई में ये ओशियन है पूरा। दिस इज डीएनए टेक, ये भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके पास भी काफ़ी वेरिड प्रोडक्ट्स हैं बट थोड़े से प्राइसी हैं। तो प्राइसेस का मैं आपको एक बार बता दूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर एक प्रोडक्ट है अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी एक वेबसाइट पे उसे ना देखें, जितने भी सोर्सेज मैं बता रहा हूँ सब पे एक एक बार ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा जैसे कृष्णा टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने कहा कि सबसे कम प्राइसेस पे अवेलेबिलिटी होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है। एक प्रोडक्ट हो सकता है जो कृष्णा टेक्नोलॉजी से उस पर महंगा हो और किसी दूसरी वेबसाइट पर सस्ता मिले। तो एज ए कंज्यूमर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो पहले जितने भी सोर्सेज मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं उन सब पर एक एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि प्राइसेज आपको डिफरेंट और कम भी मिल सकते हैं। डीएनए टेक ये भी एक अच्छी वेबसाइट है आप परचेज़ करना चाहें तो। नेक्स्ट reef52.com, ये दिल्ली की एंटिटी है आई थिंक, तो इनके पास अच्छे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, कई सारे मॉड्यूल्स जो मैं कहीं नहीं मिलते हो यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट वी मूव ईटी स्टोर, ई स्टोर, इनसे मैंने वैसे परचेज सिर्फ एक ही बार किया है और मुझे सबसे कम माइक्रो लिया था मैंने, सबसे कम प्राइसेस पे यहाँ पे मिल रहा था तो मैंने यहाँ से परचेज़ किया। बाकी इनके पास भी आई थिंक काफ़ी सैनिटाइज़र, डिस्पेंसर, सेमीकंडक्टर काफ़ी हैं इनके पास कैटेगरीज। नाउ दिस हबट्रॉनिक्स, एक्चुअली इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं, पहले मैं परचेज़ किया करता था एक वेबसाइट थी हैक्ट्रॉनिक्स, फिर उससे परचेज़ करते हुए एक आध साल मैंने काफ़ी अच्छा परचेज़ किया उससे, लेकिन वो फिर अचानक गायब हो गई। तो मुझे लगता है शायद वो, अभी मुझे कन्फर्म नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है कि वो अब हैक्ट्रॉनिक्स से हबट्रॉनिक्स हो गई है। खैर इनके पास भी बहुत वेरिड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लाई रोबो, फ्लाई रोबो में आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके पास भी मॉड्यूल्स चाइनीज एंड रोबोटिक्स रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। दिस वेबसाइट, मतलब ये जो वेबसाइट है, मैंने जब मैं अपने रोबोटिक्स का एक अपना प्रोजेक्ट कर रहा था, सीएनसी मशीन मैं बना रहा था, प्रोटोटाइपिंग मशीन,
तो मैंने यहाँ से परचेज़ किया और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो आपको जो हार्डवेयर होता है अवेलेबल, जो यूज़ आता है, वो आपको यहाँ से परचेज़ करने में काफ़ी आसान होगा। सब एक जगह मिल जाएगा और चीप रेट्स पे। बाकी वैरायटी आप देख ही रहे हैं, इनके पास हर तरह का टूल भी, स्क्रू, सब बियरिंग सब अवेलेबल है। नेक्स्ट इज़ fastdev.in, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पर आप स्क्रू या रोबोटिक्स रिलेटेड जो हार्डवेयर्स हैं वो आपको यहाँ अवेलेबिलिटी होगी। पहले ये DIY इंडिया के नाम से थी और फास्ट डेव के नाम से है। रोबोकिट्स जो है ये आप काफ़ी फेमस है, ये भी रोबोटिक्स के लिए जो भी यूज़ होता है, 3D प्रिंटर्स, मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो एक्सप्लोर कीजिए। सेम इसी पे सेम रोबो डॉट इन है, ये भी एकदम दोनों रोबो किट्स, और मैं कभी कभी नहीं समझ पाता दोनों में अंतर, रोबो डॉट इन, ये दोनों एक ही तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती हैं। एंड लास्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप डॉट कोविड डॉट इन। एक्चुअली इनकी वेबसाइट आई थिंक अभी थोड़ा सा बनने में है, तो इनसे आप ऑफलाइन भी कांटेक्ट करके परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक्चुअली ये परचेज़ किया था, जो सीबी कटिंग मशीन है, मैंने इनसे परचेज़ की थी। बाकी ये कॉलेजेस में ट्रेनर ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनर किट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये DC मॉसफेट चॉपर, मॉसफेट न्यू, एवरीथिंग। सो ये मेरी जो एक लिस्ट है, मैंने आपको सारे सोर्सेज के बारे में एक एक करके बताया। आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया इसके माध्यम से, जो आपको हेल्प करेगी।